welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel. आज मैं आप लोगों के संग एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ. तो मैं हीटलेस कर्ल्स का एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ अपने बालों पे. देखते हैं कि सक्सेसफुल होते हैं भी या नहीं. तो मैंने इससे पहले तो कभी ट्राई ऐसा नहीं किया है. इसमें फर्स्ट टाइम कि मैं अटेम्प्ट करने वाली हूँ हीटलेस कर्ल्स. तो देखते हैं कि कितना काम करता है या फिर मुझे नॉर्मली हीट से ही अपने बालों को कर्ल्स करना पड़ेगा. तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, तो ये मैंने मंगा ली है अपने कर्ल रॉड. ये मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे. मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी क्वालिटी वाले. तो ये कुछ इस तरीके की आपको रॉड्स देखने को मिल जाएंगी. 10 रॉड्स आपको मिलेंगी इसमें. तो चलिए सबसे पहले मैं अपने बालों को ना हल्का सा गीला कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गीले बाल करके अगर हम करेंगे तो मे बी रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे. तो सबसे पहले हम अपने बालों को गीला कर लेते हैं. ऑल राइट, तो मैंने अपने बालों को जो है हल्का हल्का गीला कर लिया. मैंने ज्यादा गीले नहीं करे, हल्के हल्के डैम्प किया है बस. तो चलिए अब सीधा हम रॉड्स लगाते हैं. ओके, तो मैं सबसे पहले ट्राई करती हूं. तो मैं यहां से एक छोटा सा सेक्शन लूंगी एंड इसको ना बाहर की तरफ को टर्न करूंगी इस तरीके से, ऑन दिस वे. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि इसको ठीक से लगा भी रही हूं या नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. हाँ, सो गाइस, फाइनली मैंने अपना पहला कर्ल लगा लिया है. चलिए इसी तरीके से हम बाकी बालों में भी जल्दी से सारे रॉड्स को लगा लेते हैं. फाइनली मैंने अपने कर्ल्स लगा लिए हैं. आप देख सकते हैं मुझे लास्ट में ना थोड़े सेक्शन बड़े लेने पड़े, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कम पड़ेंगे मुझे स्टिक्स, तो मैंने थोड़े से बड़े सेक्शन ले ली थी. बाकी मैं लग बहुत फनी रही हूँ इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा फनी लग रही हूँ गाइस. इसको लगाना ना इतना भी टफ पार्ट नहीं था कि आप लोग नहीं कर सकते. आप लोग इजीली अपने हेयर्स के सेक्शन ले लेके बस आपको रोल करना है एंड उसको ट्विस्ट कर देना है ताकि अच्छे से इसकी ग्रिप बनी रहे. तो वैसे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2-3 घंटे भी रख सकते हैं. मैं इसको 1 घंटे रखूंगी, 1 घंटे बाद में देखती हूँ इसका रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है. अगर ये अच्छा निकला तो ये काफी ज्यादा अच्छा हैक होगा मेरे लिए. तो चलिए मिलते हैं फिर 1 घंटे बाद. ऑल राइट, तो मुझे इसे लगाए हुए 1 घंटा हो गया है. अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रिवील करके कि कितना काम कर रहा है कितना नहीं. तो चलिए देखते हैं, लेट्स होप. ओके, मैं थोड़ा ना आगे आ जाती हूँ. तो मैं ना इस तरीके से इसको निकालूंगी. ओके, ये तो कर्ल्स नहीं हुए हैं, प्रॉपर नहीं हुए हैं. ओके, मैं एक और ट्राई करती हूँ. ये छोटे थे इसलिए शायद नहीं हुए. मैं एक और ट्राई करके देखती हूँ. ओके, इस तरीके से लेके हम इसे ट्विस्ट करेंगे. ठीक है, ट्विस्ट करना है एंड लास्ट. ओ वाओ, यू कैन सी, आपने कर्ल्स देख सकते हैं. देखो, अभी मैंने इसको सिर्फ 1 घंटा लगाया. अगर मैं इसको 2-3 घंटे लगाऊंगी तो डेफिनेटली परफेक्ट कर्ल्स आएंगे. ओके, मैं इसे भी खोलती हूँ. अनएक्सपेक्टेड है गाइस, अनएक्सपेक्टेड है. ओके, मैं जल्दी से सारे कर्ल्स खोल देती हूँ. ठीक है ना, राइट गाइस. तो ये मेरा लास्ट कर्ल है आई गेस ओपन करने का.
ओके तो मैं आपको ना कर्ल्स पास से दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से कर्ल्स बने हैं, आप लोग देख सकते हैं कर्ल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। फ्रंट सेक्शन मेरा थोड़ा सा हुआ था बट मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे बालों की वजह से हुए, बट आप देख सकते हैं कर्ल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड इसको अब मैं ना थोड़ा सा ना शेक कर लेती हूँ तो एक अच्छा बाउंसी लुक आ जाएगा मेरे हेयर्स में। ओके सो या आप लोग देख पा रहे होंगे मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं गाइज, आप लोग देख रहे होंगे। मतलब मुझे लगा नहीं था कि एक घंटे में इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो हेयर सेटिंग स्प्रे से आप इन्हें लॉक कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी जल्दी चाहिए कि नहीं यार मेरे को बहुत जल्दी है, मुझे जल्दी से कर्ल्स चाहिए, तो आप फिर ब्लो ड्रायर करके भी कर सकते हैं। आप सीरम लगा लीजिए फिर उसके बाद आप उसको रोल कर लीजिए और फिर आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट मैं कहूँगी कि आप इसे नेचुरली ही टाइम दीजिए, और फिर भी अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। एंड अदरवाइज एक घंटे या दो घंटे, मैंने एक घंटे में आपको रिजल्ट दिखा दिया, दो तीन घंटे में शायद इससे भी बेटर रिजल्ट आ सकता है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे कर्ल्स कैसे लगे और आप लोग ये ट्राई करने वाले हो या नहीं। मैंने ये जो प्रोडक्ट था वो मीशो से लिया था, उसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो या मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।